नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुस्लिम टुडे में। मैं मोनिका चौधरी और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बोला हमला, कहा वोट के लिए मरवा दिए जवान। रामगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से दुखी है अर्धसैनिक बल के जवान, सरकार बदलने पर पुलवामा हमले की जाँच होगी और बड़े बड़े लोग फंसेंगे। कांग्रेस नेता सेम पित्रोदा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकियों के मरने का सरकार से मांगा सबूत, कहा कई विदेशी अखबार में आतंकियों के मरने की संख्या पर उठ रहे सवाल। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की डायरी से गरमाई देश की सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को 1800 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने डायरी के आधार पर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी सहित कई बड़े बड़े नेताओं पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप। 8100 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी आरोपी हितेश नरेंद्र भाई पटेल को अल्बानिया की पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरेंद्र भाई पटेल पर गुजरात के एक बैंक से 8100 करोड़ रुपए लेकर फरार होने का है आरोप। भगवा रंग में रंगे क्रिकेटर गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल, दिल्ली के चांदनी चौक से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नहीं छोड़ी गठबंधन की आस, अगले दो दिन में गठबंधन पर हो सकता है कोई फैसला। पीएम मोदी की बायोपिक पोस्टर में अपना नाम आने पर गीतकार जावेद अख्तर ने जताई हैरानी, का फिल्म के लिए किसी प्रकार का काम नहीं करने के बावजूद भी पोस्टर में डाल दिया मेरा नाम। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर पीएम मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन पर दी बधाई, कहा यही समय है जब उप महाद्वीप के लोगों को आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल के लिए एक साथ मिलकर करना होगा काम। समझौता ट्रेन धमाके के फैसले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जताया दुख, कहा कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान के लोगों को हिला दिया। उन्होंने कहा कि चारों आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले के बाद दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहा है पाकिस्तान। वेंजुएला से तेल नहीं खरीदने के लिए अमेरिका ने भारत पर बढ़ाया दबाव, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा वेंजुएला से तत्काल तेल खरीदना बंद करे भारत। ब्रिटेन के मस्जिदों में गुरुवार रात को हुई तोड़फोड़ की जाँच में जुटी पुलिस, 5 मस्जिदों में हुई तोड़फोड़ में अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। आगे की और जानकारी के लिए बने रहिए मुस्लिम टुडे के साथ। धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर बटन दबाकर सबसे पहले पाइए अपडेट।